लोकप्रिय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कॉमेडियन ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में अंतिम सांस ली। राजू को 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। कॉमेडियन का 41 दिनों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद सुबह 10:20 बजे निधन हो गया। राजू का अंतिम संस्कार दिल्ली या गुरुवार को किया जाएगा। 58 वर्षीय स्टैंड अप कॉमेडियन को दिल का दौरा तब पड़ा जब वह दक्षिण दिल्ली के एक जिम में कसरत कर रहे थे। राजू शिकायत कर रहा था कि जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वह असहज महसूस कर रहा था। उसी दिन उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और तब से वे वेंटिलेटर पर हैं। राजू श्रीवास्तव के चचेरे भाई ने पहले पीटीआई को बताया, वह अपना नियमित व्यायाम कर रहा था और जब वह ट्रेडमिल पर था तो वह अचानक गिर गया। उसे दिल का दौरा पड़ा और उसे तुरंत एम्स अस्पताल ले जाया गया। पिछले कुछ दिनों में कॉमेडियन के स्वास्थ्य में काफी उतार चढ़ाव देखा गया था। 25 अगस्त को राजू के होश में आने की खबरें आईं, लेकिन उनके भाई दीपू श्रीवास्तव ने एबीपी न्यूज को बताया कि परिवार को डॉक्टरों से ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। दीपू ने यह भी कहा था कि कॉमेडियन ने मामूली सुधार दिखाया है और धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। राजू की पत्नी शिखा ने भी समय समय पर उनके प्रशंसकों और परिवार को उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी थी और सभी से उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करने को कहा था। अपने मंच चरित्र गजोधर के लिए जाने जाने वाले राजू का जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक कवि थे। वह अपने शुरुआती दिनों से ही एक अच्छे मिमिक थे। राजू ने अपने चुटकुलों और कॉमिक जीवन में कुछ बहुत ही प्रासंगिक स्थितियों के साथ स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में खुद के लिए एक जगह बनाई। वह प्रसिद्धि के लिए बढ़ गया।